अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था रेटिना के चैप्टर और उसमें हमने जो है वो पढ़ लिया था अबाउट द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द रेटिना। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक मीन्स दैट जो डायबिटिक पीपल होते हैं उनमें जो रेटिनोपैथी हो जाती है वो हो जाती है, ठीक है। सो अभी हमने पैथोलॉजी में देखा था डायबिटीज़ के बारे में और दैट वॉज अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है। लेकिन यह कि यहाँ से हमें थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो लेनी है उसमें से, ठीक है। वो क्या होंगी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायबिटीज़ क्या होती है। वो हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। पूछा जाए ना आपसे डायबिटीज़ क्या होती है तो लोग कहते हैं कि जी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। नहीं, ठीक है। डायबिटीज़ जो होता है ना एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें सिर्फ ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा नहीं होता, इसमें हमारी बॉडी का सारा सिस्टम ख़राब होता है। इसमें हमारी प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। इसमें हमारे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। इसमें हमारे जो है वो फैट्स का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। और जो डायबिटीज़ होती है ना उसके जो एक्यूट इफेक्ट्स आते हैं ना उसमें आपको पता होगा पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया होता है, पोलीफेजिया होता है। और जो क्रोनिक इफेक्ट्स होते हैं ना उसमें हमारे पास जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो वही है कि क्रोनिकली अगर डायबिटीज़ किसी पेशेंट में रहती है तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हमारे पास आती है जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होती है माइक्रो जो हमारे पास वेसल्स होती हैं उनकी पैथी स्टार्ट हो जाती है, उनकी पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो उसमें हमारे पर नेफ्रोपैथी होती है, रेटिनोपैथी होती है, फिर आपकी जो न्यूरोपैथी होती है, नर्व्स, आपके किडनी, आपके रेटिना आपके ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये होता है कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ किसी पेशेंट को बहुत अरसे से डायबिटीज़ है ना तो तब जाके ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और रेटिना भी हमारी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अब आपने जो चीज़ याद रखनी है मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से बुक से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगी वो ये कि ये होती कैसे है, ठीक है। आपके पास दो तरह की चीज़ें होती हैं इसकी पैथोजेनेसिस में। एक जो आपने याद रखनी है वो ये कि इसमें लीकेज का फिनोमेना होता है, ठीक है, लीकेज होती है। और दूसरी आपके पास जो होती है वो ऑक्लूजन होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्या अब जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है ना कि हमारी ब्लड वेसल्स हैं, होता क्या है कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना तो ये हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं ना उनके साथ बाइंड कर पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ ग्लूकोज इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे पर नॉन एंजाइमेटिक जो है ना उनकी ग्लाइकेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब प्रोटीन्स के साथ ग्लूकोज बाइंड करता जाता है। और आपको पता है हमारी ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। सो ग्लूकोज जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स की जो प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ बाइंड करना शुरू कर देता है। लाइक ईकेडहेरेंस हो गए, लाइक कॉलेजिन हो गया, उसके साथ बाइंड करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो इफेक्ट होती हैं। अब जब ब्लड वेसल्स इफेक्ट होती हैं ना तो तब हमारे पास दो फिनोमेना होते हैं, दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक हमारी लीकेज स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे और दूसरी वहाँ पे ऑक्लूजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लीकेज के अंदर क्या होगा लीकेज, ठीक है। लीकेज का फिनोमेना क्या है, पैथोजेनेसिस नंबर वन लीकेज। इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। होता क्या है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं मोस्टली जो हमारे पास माइक्रो एंजियोपैथी है ना, माइक्रो एंजियोपैथी मीन्स दैट हमारी जो बॉडी की आर्टीरियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स हैं, छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बड़ी बड़ी वेसल्स नहीं इन्वॉल्व होती, ठीक है। सो हमारी रेटिना की जो आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है कि हमारी जो कैपिलरीज होती हैं उनके होते हैं पेरिसाइट्स, ठीक है। आपको पता होगा ना पेरिसाइट्स, आपने देखा होगा पेरिसाइट्स ऐसे कैपिलरीज को लाइन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं ताकि जो कैपिलरी के अंदर चीज़ें हैं वो बाहर ना आए, ठीक है। नॉर्मली तो ऐसे हो रहा था लेकिन होता क्या है डायबिटिक रेटिनोपैथी में ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से क्या होता है कि हमारी जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं, हमारी जो कैपिलरीज के पेरिसाइट्स होते हैं वो लॉस होना शुरू जाते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स लॉस होना शुरू हो जाते हैं। अब हमारी कैपिलरीज के अंदर पड़ा क्या होता है, वाटर होता है ना, ठीक है। जब ब्लड है उसमें वाटर होगा, थोड़ा सा ब्लड होगा, थोड़ी सी प्रोटीन्स होंगे, थोड़े से लिपिड्स होंगे, ठीक है, ये चीज़ें होती है ना नॉर्मली। अब क्या होगा जब हमारी कैपिलरी डैमेज हो जाएगी, कैपिलरी जब डैमेज होगी, ये देखें डैमेज होना शुरू हो गया, लीकेज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। शुरू शुरू में क्या होगा, जब पैरासाइट्स डैमेज होंगे तो वहाँ पर हमारे बन जाएंगे छोटे छोटे एनोरिजम्स, ठीक है। ये पैरासाइट्स थे, इन्होंने लाइन किया हुआ था। अब हो गया क्या कि जो पैरासाइट्स लॉस हो गए, यहाँ से पैरासाइट्स लॉस हो गए पैरासाइट्स, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो हमारे पास होंगी वेसल्स, ठीक है, इनके अंदर से ना छोटी छोटी आउटपोचिंग्स निकल जाएंगी, आउटपोचिंग्स छोटी छोटी एनोरिजम्स बन जाएंगे। आपने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में छोटे छोटे एनोरिजम्स, माइक्रो एनोरिजम्स इनको हम कहते हैं, क्योंकि वॉल जो है वो अब वीक हो गई है। वीक जब भी हमारी वॉल हो जाती है ना वीक, तो वहाँ पर एनोरिजम्स, छोटे छोटे एनोरिजम्स बन जाते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एबनॉर्मेलिटी आएगी एक, ठीक है। अब हमारे पास लीकेज का फिनोमेना स्टार्ट होना है।
अब जो मैंने आपको बताया कि अंदर वाटर है, अंदर हमारे ब्लड है, हमारे अंदर प्रोटीन्स हैं ब्लड के अंदर पड़ी हुई, लिपिड्स पड़े हुए हैं। अब जब वाटर बाहर आएगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, पेशेंट के अंदर एडिमा होगा, ठीक है। मतलब वो जो बाहर आएगा तो वाटर आएगा तो एडिमा होगा, ठीक है। और हमारी जो है प्रोटीन्स बाहर आएंगी, लिपिड्स वगैरह बाहर आएंगे तो उसको हम कहेंगे कि एक्सुडेट्स बाहर आ गए, ठीक है। फिर जब वो वेसल्स इतनी ज़्यादा रप्चर कर जाती हैं तो अंदर से ब्लड भी बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो तीसरी जो चीज़ आती है बाहर वो हमारा होता है ब्लड, ठीक है। तो वहाँ पर हेमरेज होगा, तो आपको लीकेज के अंदर तीन चीज़ें मिलेंगी, एडिमा मिलेगा, एक्सुडेट्स मिलेंगे और आपको रेटिना के ऊपर हेमरेज मिलेंगे। ये कौन सा फिनोमेना है, कौन सी पैथोजेनेसिस है, हमारी लीकेज की पैथोजेनेसिस है। अब दूसरी पैथोजेनेसिस पे आते हैं, दूसरी पैथोजेनेसिस है आपकी ऑक्लूजन की, ठीक है। ऑक्लूजन की पैथोजेनेसिस में आपने याद रखना है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर ख़राब हो गई हैं, उनकी वॉल्स ख़राब हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि जब भी हमारी एंडोथेलियल की इंजरी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जब एंडोथेलियम की इंजरी हो जाती है तो क्या होगा, क्या होगा आपको पता है, आपने फिनोमेना पढ़ा हुआ है कि वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखें ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई है, ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई है। अब इस जो ब्लड वेसल ने जिस एरिया को आगे सप्लाई करना था वो एरिया कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। वो एरिया जब कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फॉर एग्जांपल हमारी जो ब्लड वेसल होती है इसने हमारी नर्व को सप्लाई करना होता है, ठीक है। इसने हमारी नर्व को सप्लाई करना होता है। हमारी जो नर्व होती है आपको पता है उसके अंदर एक्सोप्लाज्म होता है जो फ्लो कर रहा होता है, नॉर्मली फ्लो कर रहा था, लेकिन अब जब इस नर्व को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो इसका जो एक्सोप्लाज्म होगा वो उस जगह पे जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक्सोप्लाज्म जो होगा वो वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। जब वो जमा होगा ना तो हमारे पास रेटिना के ऊपर हमें करेक्टरिस्टिक नज़र आएंगे, कॉटन वूल स्पॉट्स, ठीक है। मतलब जैसे हमारी रुई होती है ना, कॉटन होती है, उसकी जैसे वो जैसे होती है ना, मतलब हल्की हल्की सी और इरेगुलर मार्जिन होते हैं उसके, उसी तरह हमारे पास कॉटन वूल स्पॉट्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं रेटिना के ऊपर। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि ऑब्वियसली एक जगह की एरिया की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है तो वहाँ से निकलेगा हमारा वेज एफ, ठीक है। जब हमारे वहाँ पे वेज एफ रिलीज़ होगा तो आपको पता है ये क्या काम करता है, वहाँ पे न्यू वेस्कुलराइजेशन करता है, वहाँ पे नई वेजल्स बनाना शुरू कर देता है। तो दूसरा काम ये होगा कि वहाँ पे वेज एफ रिलीज़ होगा, न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम ये होता है कि जब हमारे पास ऑक्लूजन होती है तो आपको पता है हमारी आर्टेरियोल्स होती हैं, फिर हमारे पास जो हैं वो वेन्यूल्स होती हैं, और फिर हमारे पास फाइनली क्या होती हैं, सॉरी, फिर हमारे पास कैपिलरीज होती हैं और फिर हमारे पास वेन्यूल्स होती हैं, सॉरी, ठीक है। अब मोस्टली जब हमारी कैपिलरीज डैमेज हो जाती है ना, जब हमारी कैपिलरीज डैमेज हो जाती है तो होता क्या है कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली हमारी आर्टेरियोल्स से वेन्यूल्स की तरफ जाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब जो हमारे कैपिलरीज दरमियान में से ख़त्म हो जाती है ना तो डायरेक्टली हमारे आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स का कनेक्शन बन जाता है, इसको हम कहते हैं एवी शंट्स, ठीक है। अब आपको समझ आई होगी कि हमारे पास जो पैथोजेनेसिस है उसमें दो काम हो रहे थे, एक हमारे पास लीकेज का फिनोमेना हो रहा था और एक हमारे पास ऑक्लूजन का फिनोमेना हो रहा था। लीकेज में क्या हो रहा था, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर से सारी चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से तीन काम हुए। तीन काम कौन से हुए, वहाँ पे एडिमा हुआ वाटर बाहर आने की वजह से, वहाँ पे एक्सुडेट्स बन गए, क्यों, क्योंकि लिपिड्स में प्रोटीन्स बाहर आ गई हैं, और तीसरा काम क्या हुआ, वहाँ पे हेमरेज हो गए क्योंकि ब्लड भी बाहर आ गया, ठीक है। अब जो ऑक्लूजन का फिनोमेना था उसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि नर्व्स को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सोप्लाज्म एक जगह रुक गया, उसकी वजह से क्या हुआ, कॉटन वूल स्पॉट्स बन गए, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा इसमें, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास वेज एफ रिलीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गई है, वेज एफ रिलीज होना शुरू बंद हो गया तो वहाँ पर नई वेसल्स बनाना शुरू हो जाएंगी, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूवास्कुलराइजेशन। और जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई ऑक्लूजन की वजह से होगी वो क्या होगी, मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास क्या होगा कि एवी शंट्स बनना शुरू कर देंगे। एवी शंट्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ सब कुछ। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, हमारा चैप्टर है, सॉरी, टॉपिक है हमारे चैप्टर का कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ की वजह से जो हमारी रेटिना के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका ये है कि मोस्ट कॉमन हमारे पास जो क्रोनिक वैस्कुलर डिजीज़ है वो हमारी डायबिटीज़ है, ठीक है। मोस्ट कॉमन है, ठीक है। क्रोनिक वैस्कुलर डिजीज़ में मोस्ट कॉमन हमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। इसमें नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई किस्म का इसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं होगी पेशेंट को, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन, आहिस्ता आहिस्ता
आहिस्ता हमारी जो रेटिनल वेस्कुलेचर्स होंगी वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये हमारे पास क्रोनिक डिजीज़ होती है, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी रेटिनल वेस्कुलेचर ख़राब होना शुरू हो जाता है। और फिर क्रोनिक हमारे पास क्या होता है, उसकी वजह से क्यों, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से हमारी वेसल्स ख़राब हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ग्लूकोज जो है वो हमारी रेटिना की वेसल्स को ख़राब कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना आगे आता है कि इसका इंसिडेंस क्या होता है। तो इसमें आपने जस्ट ये बात याद रखनी है कि हमारे पास अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी रखते हैं, अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी मेडिकेशंस जो हैं डायबिटिक लोग वो टाइम पे लेते हैं, तो फिर इसकी जो रेटिनोपैथी का ऑनसेट होता है वो डिले हो जाता है। ठीक है, इस वजह से उनको चाहिए कि वो अपनी रेटिनोपैथी को, अपनी ये जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं डायबिटीज़ की, इनको अवॉइड करने के लिए क्या करें, वो अपनी जो है क्या करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। ठीक है, सो शुगर कंट्रोल करें। और हमारे पास ये इन्होंने इंसिडेंट दिया हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क फैक्टर्स आपके जो है इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता भी है, ये कोई नहास याद करने वाले नहीं है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटिक्स, ठीक है, कि कितने अरसे से डायबिटीज़ है। मैंने आपको बताया क्रोनिक होगी तब भी रेटिनोपैथी स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अनकंट्रोल्ड होगी, फॉर एग्जांपल के पेशेंट जो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा, इस वजह से रेटिनोपैथी होती है। हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ओबेस पेशेंट है, हाइपरटेंशन की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स खराब होती हैं, आपको पता है। ओबेस लोग जो होते हैं उनके अंदर वैसे ही फैट्स कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं, वो हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर वैसे ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, आपको पता है। ठीक है, हमने डायबिटीज़ की टाइप्स पढ़ी हुई है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, जेस्टेशनल भी होती है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डायबिटीज़ हो जाती है पेशेंट्स को। ठीक है, तो ये हो गया नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी कैसे होगी, किडनी हमारी ख़राब है, हमारी जो है किडनी जब भी ख़राब होती है ना, तो वो हमारे सारे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को हमारी बॉडी के अंदर जमा करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी वेसल्स ख़राब होंगी। अल्टीमेटली हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास डायबिटीज़ रेटिनोपैथी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपके पास है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्मोकिंग और ये हमारे पास एनीमिया, ठीक है, ये भी हमारे पास डायबिटीज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी को करते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस में वही है जो मैंने अभी आपको बता दिया कि माइक्रो एंजियोपैथी होगी। ठीक है, हमारी कौन कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व होंगी, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, ये हो गया। उसके बाद दो फिनोमेना होंगे, मैंने आपको बता दिया, एक हमारे पास लीकेज का फिनोमेना होगा, दूसरा ऑक्लूजन का फिनोमेना होगा। लीकेज में क्या होगा, सबसे पहले लॉस ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स लॉस हो गए। ठीक है, फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि माइक्रो एनर्जिम्स बन गए, माइक्रो एनर्जिम्स बन गए तो क्या हुआ, लीकेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, लीकेज हुआ तो फिर क्या हुआ, तीन काम हुए, मैंने कहा था एडिमा होगा, एक्सुडेट्स होंगे, ठीक है, और रेटिनल हेमरेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारे पास क्या होगा कि ऑक्लूजन की वजह से क्या होगा, ऑक्लूजन की वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो अल्टीमेटली हमारे पास ये सारा कुछ करके प्लेटलेट जमा होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी, सारा कुछ होगा। ठीक है, ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी उस जगह पे, और तीन काम होंगे। तीन काम कौन से हैं, ये तीन काम है, कॉटन बूल स्पॉट्स, एविशंट्स और नियोवेस्कुलराइजेशन। अभी मैं आपको जो है इन ये सारे जो है फिगर से बताती हूँ। सबसे पहले हम ऑक्लूजन का जो तीन चीज़ें हैं, एडिमा, एक्सुडेट्स, हेमरेज, उनकी बात करते हैं। ऑक्लूजन हुई, उसकी वजह से एडिमा स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आपको एडिमा नज़र आ रहा है, मैक्यूलर एडिमा, इसमें आपको सिस्ट की फॉर्म में मैक्यूला नज़र आता है। ठीक है, फिर ये एक्सुडेट्स, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स के बन जाते हैं ना, ये येलो कलर के रेटिना पे आना शुरू हो जाते हैं, इनको हम एक्सुडेट्स कहते हैं, ये आपको रेटिना पे नजर आएंगे। ये किस वजह से हो रहा है, ऑक्लूजन, सॉरी लीकेज की वजह से। ठीक है, वो भी ये भी एडिमा, एडिमा भी लीकेज की वजह से हो रहा था, एक्सुडेट्स भी लीकेज की वजह से हो रहे थे। ये तीसरी चीज़ आ जाती है जो हमारे पास लीकेज की वजह से हो रही है, वो क्या है, हेमरेज। ठीक है, ये आपको हेमरेज नज़र आ रहा है, देखिए तीसरी चीज़ हो गई। फिर हम बात करते हैं जो हमारी ऑक्लूजन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऑक्लूजन की वजह से पहला प्रॉब्लम क्या, पहला प्रॉब्लम क्या था, कॉटन वूल स्पॉट्स, मैंने आपको बताया था कि वेसल ऑक्लूड हो गई। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ हमारे पास कि नर्व्स को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, नर्व्स को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, उनको एक्सोप्लाज्म उधर ही रुकना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। नर्व वेसल जैसे एक्सोप्लाज्म जब जमा होना शुरू हो जाता है तो उसको, उसकी वजह से ये कॉटन वूल स्पॉट्स आपको नज़र आते हैं। एक्सुडेट्स और कॉटन वूल स्पॉट्स में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये देखें एक्सुडेट्स ऐसे नज़र आते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स आपको वाइट वाइट नज़र आते हैं। ठीक है, और ये हेमरेजेस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि लीकेज की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास वो एविशंट्स का फिनोमेना है जो कि हमारे पास ऑक्लूजन की वजह से हो रहा है। ये देखिए, ये हमारी आर्टेरियोल्स हैं, ठीक है, ये आर्टेरियोल्स हैं, ये वेन्यूल्स हैं, इनके दरमियान में ये कैपिलरीज थी। अब कैपिलरीज ख़राब हो गई हैं तो हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्टली हमारे जो ब्लड है आर्टेरियोल से वो वेन्यूल्स में जाता जा रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास एविशंट्स हैं, ये एविशंट्स आपको रेटिना भी इस तरह से नज़र आते हैं। उसके बाद
ये वो तीसरी चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि न्यूरोवैस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है VEGF के रिलीज होने की वजह से। और कौन से पैथोजेनेसिस में था? ऑक्लूजन के फिर पैथोजेनेसिस में, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रख, लीकेज की वजह से क्या हो रहा है? एडिमा हो रहा है, एक्सुडेट्स हो रहे हैं, हेमरेज हो रहा है। ऑक्लूजन की वजह से क्या हो रहा है? कॉटन वूल स्पॉट्स बन रहे हैं, एवी शंट्स बन रहे हैं, और क्या बन रहा है? और हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है, न्यूरोवैस्कुलराइजेशन हो रही है। नेक्स्ट से हम बाकी इसकी पढ़ते हैं।